अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कलौंजी तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। तो आप सोचें कि ये कलौंजी हर बीमारी में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो जो आजकल जो ये मौजी मर्ज करोना जो आया हुआ है, तो उसका इलाज भी इसमें छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप अगर अल्लाह ना करे किसी को ये मर्ज़ हो, या किसी को आपकी नज़र में ऐसा है कि किसी को लग चुका है ये मर्ज़, तो आप उसे ये बताएं। और अगर हम इसे कर भी लेते हैं तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह ये हमें फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि ये जो कलौंजी के दाने हैं, तो इसके हमें एक पतीली में पानी बॉयल रखना है, पतीला भर के जैसे पानी बॉयल रखना है स्टीम के लिए। तो जब पानी में एकदम से बॉयल आ जाए ढक्कन ढक के, फिर आपको इसमें ये जो कलौंजी है, कलौंजी के ऐसे बड़े टेबलस्पून भर के, 3 टेबलस्पून भर के डालना है। तो इसको ढक्कन ढक के फिर एक जोश आने पर पतीले को उतार के आप कंबल या ब्लैंकेट, चादर कुछ भी लेके स्टीम लेना है इस कलौंजी वाले पानी से। और जैसे आप स्टीम ले रहे हो तो आप पानी में जैसे चम्मच को हिलाते रहें ताकि वो चम्मच का जो कलौंजी हिलती रहेगी, तो इससे जो स्टीम में कलौंजी का जो जितना भी असर होगा वो आपको स्टीम के ज़रिए आपके सांसों में और का गले में, और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो ये बीमारी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और अगर हम ऐसे ही कर लेते हैं तो हमें वो मर्ज़ लगेगा ही नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप ये करें, और अगर किसी को ये मर्ज़ लगा हुआ है तो आप उसे ज़रूर बताएं और शेयर करें सबसे, ताकि हमारे बताने से अगर किसी को फ़ायदा होता है, शिफा मिलती है, तो अल्लाह पाक इसका अजर हमें भी देंगे। तो आप ये हमारी जो चैनल का जो लिंक है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी ये रेसिपी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सबसे, तो जिसको भी ये फ़ायदा होगा उसका दुआ हम सबको लगेगी इंशाल्लाह। 15 से 20 मिनट तक आपको स्टीम लेनी है। स्टीम लेकर हवा में नहीं बैठना है। स्टीम लेने के बाद भी जो पसीना आया होगा उसे आप पोंछ लें, लेकिन उससे आप अपने आप को हवा से बचाएं, ठंड से बचाएं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आप दिन में 2 मरतबा इसकी स्टीम लें, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह ये मर्ज़ बहुत जल्द भाग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आप अगर चाहते हैं कि किसी को ये मर्ज़ है और उसको शिफा हो, तो आप ये रेमेडी, ये नुस्खा आप ज़रूर दूसरों से शेयर करें, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।